लोग डिजिटल मार्केटिंग को चूज कर रहे हैं एज ए बिजनेस प्रमोशन और लोग करियर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं इसे? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनमोहन सिंगला, फाउंडर जुगाड़िन.com, और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज हमिंगबर्ड एल्गो। हमिंगबर्ड एक एल्गोरिदम है गूगल के द्वारा, और गूगल अपने एल्गोरिदम चेंज करता रहता है। ये जो एल्गोरिदम आया था ये आफ्टर हिल टॉप के बारे में आया था, बहुत चेंजेस भी हुए थे, बट ये एल्गोरिदम 2013 में आया था। और जो मेन हमिंगबर्ड इसको नाम दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि ये स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जाना जाता था, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यूज़र्स जो गूगल पर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसके रिजल्ट आते थे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, और ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत ही स्पीडली सारी वेबसाइट्स को फेच करता था, और जहाँ पर कीवर्ड से रिलेटेड एक नेचुरल इन्फॉर्मेशन मिलती थी, एक लैंग्वेज मिलती थी, वो उठाता था और रिजल्ट शो करता था। इस एल्गोरिदम में एक खास बात और थी, जो एक्यूरेसी की हम बात करें, ये फॉर्मल लैंग्वेज और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज की तरफ था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि गूगल ये पॉलिसीज आ गई थी कि जो आपका कंटेंट है वो एक बहुत ही अच्छे वे में हो और नेचुरल हो, अपनी लैंग्वेज में हो, ये ना हो कि कहीं से आपने उठाया और उसी को सिनोनिम्स यूज़ कर लिया, कुछ कर लिया, बहुत ही आपको जो नॉलेज है वही आप शेयर करें। तो उसके लिए आया था कि एक्यूरेसी ये चेक कर रहा था, साथ ही साथ स्पीडली रिजल्ट दे रहा था, तो ये एल्गोरिदम आया था। उसके बाद जो एल्गोरिदम आया था वो आया था गूगल रैंक ब्रेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मशीन लर्निंग बेस्ड पे था। तो हम गूगल रैंक ब्रेन के बारे में भी आगे वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, पूरा हमें कोर्स करना है। तो होप आपको हमिंगबर्ड समझ आया होगा, हमिंगबर्ड स्पीड और एक्यूरेसी, और जो ये देता था एक नेचुरल रिजल्ट देता था, जो भी डाटा फेच करता था क्रॉलर और आपको रिजल्ट देता था। तो हमिंगबर्ड एल्गोरिदम के बारे में आप डिटेल में भी विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से एल्गोरिदम आए और क्या क्या चेंजेस आ रहे थे गूगल पॉलिसीज में एंड गूगल एल्गोरिदम में, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बेस्ट से बेस्ट होने चाहिए यूजर्स के लिए, और यही गूगल अलाउ करता है और यही गूगल फॉलो करता है कस्टमर्स के लिए। तो आपको ये वीडियो समझ आई होगी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।